बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपने आने वाली फिल्म भेड़िया को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। इन दिनों वरुण अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस फिल्म में वरुण के साथ एक्ट्रेस कीर्ति सेनन लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। इससे पहले भी दोनों एक साथ फिल्म दिलवाले में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। इस बीच अब वरुण ने खुद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वरुण ने बताया कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वरुण धवन ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया। वरुण धवन ने इवेंट में बताया कि वो वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में इंसान अपने शरीर का बैलेंस खो बैठता है। ये दिक्कतें उन्हें सबसे ज्यादा पैंडेमिक के बाद हुई है। उन्होंने बताया कि पैंडेमिक के बाद जब चीजें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई तो वरुण धवन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेशर में काम करने के लिए आगे धकेलना पड़ा। वहीं ना चाहते हुए वरुण धवन को काम में ब्रेक लेना पड़ा। जब बीमारी का पता चला तो काफी दुखी हुआ। वरुण धवन ने आगे बताया कि जब उन्हें वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन बीमारी का पता चला तो वो काफी निराश हो गए। वो इतना ज्यादा फील कर रहे थे कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में खुद को इस कंडीशन में आगे बढ़ाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इस बीमारी में आपका बैलेंस सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन मैंने और मेहनत, हम इस दौड़ में बस दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा क्यों। वरुण धवन ने बताया, ये बीमारी मैं फिल्म जुग जुग जियो के लिए इतना प्रेशराइज किया कि मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी इलेक्शन में तो भाग नहीं ले रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने खुद को इतना स्ट्रेस और प्रेशर में क्यों डाला, लेकिन मैंने किया। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।